ये एक ऐसा शेयर है जो ना तो सिर्फ बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देता है लेकिन बहुत ही बढ़िया अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देता है। टॉप डिविडेंड यील्ड देने वाले शेयर्स में बहुत ही जाना माना नाम है, ये और कोई नहीं है भारत का महानवरत्न कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IOC ही है। पिछले कुछ दिनों में इस शेयर ने ऐसी स्पीड पकड़ी है कि बस शेयर होल्डर्स देखते ही रह गए। अभी हाल फिलहाल में आई हुई डिप के दौरान ये शेयर लगभग 86 रुपए के लेवल तक गिर गया था लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो 95 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है, यानी कि पिछले 4 से 5 दिन के अंदर अंदर 9 रुपीज का तो ऑलरेडी इजाफा हो ही गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पिछले 5 दिनों के अंदर इस शेयर ने 10% का रिटर्न दिया है, पिछले 1 महीने के अंदर इस शेयर ने 7% का रिटर्न दिया है, पिछले 6 महीने के अंदर इस शेयर ने 15% का रिटर्न दिया है, जनवरी से अब तक इस शेयर ने 22% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल के अंदर 38% से ज्यादा का रिटर्न दिया है IOC ने। थोड़ा सा अगर और पीछे जाएं तो 1 साल पहले यानी नवंबर 2022 में ये एक शेयर 68 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था, तब भी अगर आप इसे ले लेते तो आज भी आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। और अगर थोड़ा सा और पीछे के ट्रेंड को फॉलो करें, अगर हम देखें तो साल 2020 में मई 2020 में ये एक शेयर 49 रुपीज यानी 49 रुपए तक डिप कर गया था। जिस व्यक्ति ने 49 रुपए के रेट पर IOC के अंदर इन्वेस्ट 1 लाख रुपए कर दिए होते तो आज उसके आराम से 2 लाख रुपए तो बन ही जाते, प्लस उसको जबरदस्त डिविडेंड मिलता अलग। तो अगर आप भी कोई ऐसा शेयर ढूंढ रहे हैं जो सरकार का सेफ ऑप्शन हो, महानवरत्न हो, तो IOC आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। वैसे अभी भी ये अपने ऑल टाइम हाई लेवल जो 143 रुपीज था उससे काफी पीछे है, तो विच क्लियरली इंडिकेट्स कि आपके पास अभी भी समय है। बट अगेन हम जैसा हमेशा कहते हैं, हम आपके पास सिर्फ और सिर्फ राइट इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। इन्वेस्ट करने का या ना करने का फैसला सिर्फ और सिर्फ आपका होना चाहिए। अगर आपको ऐसे और मल्टीबैगर शेयर्स के टॉप परफॉर्मिंग शेयर्स के नाम जानने हैं, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा पैसा लाइव। वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स रिलेटिव्स और कॉलीग्स के साथ जरूर शेयर करें और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई डाउट है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं।